यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। यदि का मतलब क्या है? यदि सदन के सदस्य को आतंकवादी कहना वो महात्मा गांधी हत्या से भी ज्यादा बदतर है। आप इंदिरा गांधी को हराना चाहते, जवाहरलाल नेहरू को हराना चाहते, अभी महात्मा गांधी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। मन से माफी, आज ये सवाल उठाना पड़ रहा है क्योंकि गांधी के देश में एक बार फिर गोडसे को देशभक्त बताया गया है। तो क्या माफी मिल गई? एक बार फिर राष्ट्रपिता के हत्यारे को महान बताया गया तो क्या माफी मिल गई? यहां ध्यान दीजिएगा कि मैं एक बार फिर शब्द का जिक्र ज्यादा कर रही हूं। ज्यादा इसलिए क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ है, इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सोचना यहां पर जरूरी हो जाता है, सवाल भी पूछना चाहिए कि ये कौन सी शक्तियां हैं, ये कैसी विचारधारा है, राष्ट्रपिता के हत्यारे को महान बताया जा रहा है और दूसरी तरफ अपनी मर्जी से किसी पर भी आतंकवादी का टैग जो है वो लगा दिया जाता है क्योंकि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट से कुछ ऐसा ही किया। इन सब सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। R9 टीवी पर देश की सबसे बड़ी बहस आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ है श्वेता भट्टाचार्य, आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की बहस में गांधी के हत्यारे का समर्थन करने वाले को जवाब देना होगा और जवाब उनको भी देना होगा जो किसी को भी आतंकवादी कह देते हैं। लेकिन उन सारे सवालों और जवाबों से पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर डाल लीजिए। यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। यदि का मतलब क्या है? यदि सदन के सदस्य को आतंकवादी कहना वो महात्मा गांधी हत्या से भी ज्यादा बदतर है। आप इंदिरा गांधी को हराना चाहते, जवाहरलाल नेहरू को हराना चाहते, अभी महात्मा गांधी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। Culminating in his last. महोदय, बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। साध्वी प्रज्ञा की राजनीति को समझना इतना आसान भी नहीं। पहले महात्मा गांधी के हत्यारे पर विवादित बयान दिया, फिर माफी मांगकर पल्ला भी झाड़ लिया। पीएम मोदी दिल से माफ नहीं कर पाए, फिर भी साध्वी की आदत उनको 16 मई 2019 वाले उस विवाद की चौखट तक लेकर आ गई। एक बार फिर गोडसे को देशभक्त बताकर साध्वी बीजेपी के गले की फांस बन गई है। एक बार फिर विपक्ष को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बहाने बीजेपी पर निशाना लगाने का मौका मिल गया है। सदन के अंदर हमारे महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता की जो हत्याकारी है वो हत्याकारी को देशभक्त कहलाता है, सदन का चुप रहेगा। यदि मेरी कोई टिप्पणी किसी को ठेस है, ये यदि वो अच्छी तरह जानती है क्या कहा, कब कहा, किस तरीके से उसे ये 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 ये, ये टिप्पणी दी है, ये तो हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। वो आके स्पीकर से और सदन से कहिए कि मैंने गलती की है, मैं इसको बिल्कुल कोई भी ये अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी होना चाहिए, मुझे क्षमा चाहिए, मुझे माफ चाहिए, नहीं तो उसको वहां से हटा के मेरे ख्याल में उसको इस सदन में बैठने का इजाजत नहीं देना चाहिए। कांग्रेस जब हमलावर हुई तो बीजेपी को भी बैकफुट पर आना पड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मामले को संभाला, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सामने आए। साध्वी प्रज्ञा को रक्षा समिति से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया और कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए गए। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में बयान दिया है वह अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विचार को कभी सपोर्ट नहीं करती है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं, मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है, उनको समिति के सदस्य नहीं रहने दिया जाएगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ इस सत्र में
जो हमारी संसदीय पार्टी की बैठक होती है उसमें भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। तमाम हंगामा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि साध्वी प्रज्ञा सदन में माफी मांगने ही वाली थी और राहुल गांधी ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया। अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी ने प्रज्ञा ठाकुर को आतंकी प्रज्ञा लिखा, जिसके साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने अब मोर्चा खोल दिया। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। इस सदन के सदस्य राहुल गांधी जी ने इस सदन के सदस्य प्रज्ञा ठाकुर जी के लिए जो आतंकवाद शब्द का यूज किया, इसीलिए 222 में वो प्रिविलेज बनता है। और मेरा आपसे आग्रह है कि राहुल गांधी जी के ऊपर प्रिविलेज मोशन जो है आप मूव करिए और उनके ऊपर जो है कार्रवाई करिए। वैसे तो साध्वी प्रज्ञा अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उनके बयान ने जो घमासान शुरू किया है वो कहां जाकर थमेगा किसी को इस बात का अंदाजा नहीं। पहले बयान देना, फिर माफी मांगकर पल्ला झाड़ लेना, दूसरी तरफ राहुल गांधी की तरफ से विवादित ट्वीट और अब बीजेपी का हमला। कहना गलत नहीं होगा कि संसद से गोडसे पर शुरू हुई ये सियासत देश की सड़कों तक आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट R19। हालांकि साध्वी प्रज्ञा ने माफी तो जरूर मांग ली है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये माफी मन से मांगी गई है? R9 के कुछ सवाल हैं, क्या पार्टी की विचारधारा पर साध्वी प्रज्ञा जो है वो नहीं चलेंगी? राहुल गांधी कैसे किसी को आतंकवादी कह सकते हैं? क्या ये आजादी राहुल गांधी को है कि वो किसी को भी आतंकी कह देंगे? पार्टी के मना करने पर भी क्यों साध्वी प्रज्ञा जो है वो मानती नहीं है? ये पहली दफा नहीं है गोडसे को देशभक्त बताया है, दूसरी बार इस तरह की घटना हुई है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन नाराजगी से कोई असर साध्वी पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। पीएम की नाराजगी से साध्वी को फर्क नहीं पड़ता, ये सदन में जब उन्होंने देशभक्त फिर से कहा तो जग जाहिर हो गया कि कितना फर्क उनको पड़ता है और कितना नहीं पड़ता है। क्या प्रज्ञा ठाकुर को अपनी गलती का एहसास नहीं है, या वाकई उन्होंने अपनी गलती मानी है, या सिर्फ और सिर्फ प्रेशर था तो उन्होंने सदन में माफी मांग ली? इन्हीं सवालों के जवाब जो है वो हम तलाशेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट जो है वो जुड़ रहे हैं। तमाम गेस्ट से आपका परिचय करवाती हूँ। रेणु भाटिया बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सैफ खान कांग्रेस के लीडर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ राहुल लाल गांधीवादी विचारक जो है स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक शंखधार संघ विचारक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और उमानंद कौशिक VHP से हैं, ये भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुनील कौशिक जो है थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रेणु भाटिया जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल जाता है कि बीजेपी की विचारधारा बता दीजिए मैम, गांधी या गोडसे? देखिए, बड़ा इस बात को स्पष्ट किया गया है हमारे, अभी आप दिखा रहे थे उसमें, कि हमारे जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने सबसे पहले एक ही बात को कहा कि हम किसी भी तरह की गलत भाषा को जगह नहीं देंगे। तो उससे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि क्या गलत था क्या सही था। इसलिए मैं सिर्फ मुख्य रूप से एक ही बात कहना चाहूंगी कि हम कोई गांधी भी और गोडसे में एक को चुनने में आपको तकलीफ हो रही है? देखिए, गोडसे अपनी जगह थे, गांधी जी अपनी जगह हैं, और गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता हैं, और हम सबके राष्ट्रपिता रहेंगे। इसलिए हमें इस तरह की भाषा या किसी के लिए भी हमें किसी तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना होगा। विचारधारा बीजेपी की क्या है? आप गांधी को चुनती हैं कि गोडसे को? हमारी विचारधारा राष्ट्र को परिवर्तित करना, राष्ट्र को किस तरह का परिवर्तन चाहती है, हर तरह से ऊंचा बनाना, राष्ट्र का परिचम पूरी दुनिया में फैलाना चाहती है? हमारी ये विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की एक ही विचारधारा है। दो नाम में से चुनने में का परिचम पूरी दुनिया में फहराया जाए
और वो जो परचम फहराया जाए वो रेणु जी पूरे राष्ट्र के हित की बात के साथ हो। सिर्फ कहती हैं कि मानती भी बात किसी को अलग तरह से कहने से ना रेणु जी मानती हैं। मुख्य रूप से एक ही बात है गांधी और गोडसे। मेरा सिंपल सा सवाल था गांधी और गोडसे। मैंने भी सिंपल आंसर दिया कि हमारी जो सोच है हमारी जो विचारधारा है वो राष्ट्र की विचारधारा है। कौन सी विचारधारा जिस पर साध्वी चल रही है जिस पर चल रही है साध्वी वो आपकी विचारधारा है। देखिए साध्वी जी ने जो कहा है उसके ऊपर मेरे को लगता है मुझसे बहुत ही कई गुना सीनियर जो हमारे प्रथम नेता हैं देख लिया मैम कार्रवाई क्या हुई देख लिया दे दिया देख लिया मुझे लगता है कार्रवाई के नाम पर रक्षा समिति से हटा देना उनको बीजेपी की। अगर अगर उनको लगा कि अगर संशय है इसलिए सवाल उठ रहे हैं संशय है रेणु जी इसलिए सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए आपके लिए कितना डिफिकल्ट है गांधी और गोडसे में चुन पाना। माफ कीजिएगा अपने शब्द कहे और उसके अलावा जब शब्द कहे ये पहली दफा नहीं है जब उन्होंने कहा नड्डा जी ने अपनी ये पहली दफा नहीं है रेणु जी। मैं सिंपल सवाल पूछी गांधी की बात या गोडसे आप गांधी कह सकती थी क्या दीजिए ना मैं अरे नड्डा जी ने जो बात कही श्वेता गांधी या गोडसे मेरा कहना कुछ बनता है आप बताएं आप सिर्फ इतना बताएं चलिए आप बोलिए गांधी या गोडसे तो उनकी बात के बाद आप बताइए ना आप बता दीजिए गांधी या गोडसे। सिर्फ मैंने अभी भी कहा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे और हैं हमेशा रहेंगे उनका आदर सम्मान हमेशा रहेगा इसलिए इसलिए जो भी राष्ट्र के हित की बात बोल बोल जवाब नहीं राहुल लाल और गोडसे राहुल लाल वही नहीं नहीं साफ आपके पास भी आ रही आ रही नहीं रेणु भाटिया ने बात कहे राहुल लाल कहूंगी कि रेणु भाटिया को इतनी तकलीफ हो रही है गांधी और गोडसे में मैंने चुनने को कहा विचारधारा ये बता नहीं पाई राष्ट्रपिता है और क्या है उनको ये बात सुनने में क्यों परेशानी हो रही है आखिर क्यों जो है कि अगर गोडसे और गांधी के चयन में अगर उनको दिक्कत है तो बड़ी परेशानी की चीज है। वो तमाम तरह की बातें यहां से वहां ले जा रही हैं लेकिन एक शब्द जो केवल बोल देना है अगर उनका उत्तर वो दे सकती थी आसानी से उस उत्तर से वो बच रही है। देखिए बहुत गंभीर तो बच रही है यानी पार्टी लाइन कुछ है ना राहुल लाल ये बचना ये बचना बताता है कि पार्टी लाइन कुछ है। साध्वी प्रज्ञा अगर कह रही है तो साध्वी प्रज्ञा अगर कह रही है तो उनको 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 ये हिम्मत कहां से मिल रही है। देखिए यहां पे समस्या यही है कि साध्वी प्रज्ञा ने आज कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया आपने उन्होंने इसी सदन में दूसरी बार माफी मांगी है फिर से माफी मांगने का नौबत आ जा रहा है उनको प्रधानमंत्री के कहने के बाद ये बयान है। अब बताइए उनको उनके पार्टी में और कौन कहेगा तो ये तो विचारधारा तो क्लियर हो जाती है ना कहीं ना कहीं हिम्मत तो मिल रही है जब रेणु भाटिया को यहाँ गांधी और गोडसे में चुनने में तकलीफ हो रही है पर्दे के पीछे से कोई है जो भी सपोर्ट कर रहा है यही कारण है अगर अगर पर्दे के पीछे से बीजेपी खुद चाहती है कि इस तरह की डिबेट हो और इतिहास बदला जाए। एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहे जाते हैं अब बात होती है कि हड़प नहीं अगर आप राष्ट्रपिता कह रहे हैं अगर आप राष्ट्रपिता कह रहे हैं तो फिर गोडसे आपके लिए देशभक्त कैसे हो सकते हैं। क्या ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है राहुल लाल क्या ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि एक नया इतिहास भारत को पढ़ाया जाए। देखिए श्वेता जी प्रथम दृष्टया मुझे यही लग रहा है कहीं न कहीं उनको महिमामंडित करने का पिछले दरवाजे से प्रयास है और ये देश के लिए अत्यंत दुखद चीज है कि गांधी के हत्यारे को महिमामंडित किया जा रहा है। मैंने कल भी कहा था कि हत्यारा चाहे कोई भी हो किसी का भी हो हत्या जैसे जघन्य चीजों का मैं समर्थन नहीं कर सकता उसमें भी गांधी के हत्यारे का समर्थन पर्दे के पीछे से पर्दे के आगे से ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। समझना चाहिए हम लोगों को कि वो बार बार ये बयान दे रहे हैं और उन बयानों के बाद की स्थिति में फिर से वो बयान की पुनरावृत्ति कर देते हैं। माफी को कैसे कोई मानेगा रेणु जी उनके माफी को कैसे कोई मान लेगा बताइए किया उसने उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना की उन्होंने जिन आप गारंटी ले रहे हैं की बात इस कार्यक्रम में आप इस बात राहुल गांधी की बात कीजिए मैं सबकी बात वो बार बार सबकी बात की बेटी को टेररिस्ट के नाम से वाली विचारधारा पास को पूछा गई है सांसद को टेररिस्ट हम लोग रेणु जी सारे बात कीजिए ना रेणु जी सवाल पूछना वो सवाल पूछने का काम मेरा है दूसरे पे उंगली उठा देने से तीन उंगली आपकी तरफ पूरी रहती है ना। रुकिए पानी पीने दीजिए आपने गारंटी लेके प्रज्ञा ठाकुर को दोबारा ये बयान देंगे थोड़ा और पानी पी लीजिए क्योंकि नाम नहीं लिया जाएगा अभी नहीं नहीं रेणु जी मैं कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी राहुल लाल जो मुझे लग रहा है राहुल लाल क्या आप गारंटी ले रहे हैं कि
की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दोबारा ऐसा बयान नहीं देगी। नहीं नहीं दोबारा नहीं। राहुल जी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है? पूरा लग रहा है चलिए दीपक सीधे लग रहा है दीपक जी पीछे से भारी समर्थन दीपक जी संघ विचारक हैं आप विचारधारा क्या पूछना चाहता हूँ। नहीं 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 आप 2000 आप मत पूछिए सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप 2013 का सामना उठा करके देखिए दीपक जी जिसमें शिवसेना के दीपक जी शिवसेना के चीफ ने जो है गोडसे को राष्ट्रभक्त लिखा है। आप एनसीपी कांग्रेस सवाल नहीं उठाइए सवाल आप नहीं उठाइए। पूछना चाहता हूँ सैफ खान से क्या सोनिया गांधी से इस्तीफा मांगेंगे? दीपक जी मांगेंगे क्या? मेरा सवाल आपसे है दीपक जी आप मेरे अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे तो माफ कीजिएगा मैं तक आपके पास नहीं आ जाऊंगी। एक मिनट साहब जी जब तक मैं अगर सवाल नहीं कर रही हूं तो मैं माफी चाहूंगी आपका ऑडियो फिर मैं ऑन एयर नहीं कर पाऊंगी सर। मैं सवाल बिल्कुल दीपक जी मेरा सवाल सिंपल आपसे आप सपोर्ट नहीं तो आप सपोर्ट करते हैं आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? सवाल पूछने का काम मेरा कुछ काम तो कर लेने दीजिए सर मुझे सवाल करने दीजिए। आपसे मेरा सिंपल सा सवाल है दीपक जी आप इस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं साध्वी प्रज्ञा जो कह रही हैं सही कह रही हैं? साध्वी प्रज्ञा जी जिस गोड़ से गांधी जी की हत्या के विषय में बात कर रही हैं आप आदरणीय गुरुजी के चिट्ठी उठा करके देखिए आप पिछले रिकॉर्ड्स को देखिए गुरुजी ने क्या लिखा है उसमें। गुरुजी ने लिखा है कि यह हत्या जो है और इस हत्या को अंजाम देने वाला हत्यारा जो है वह मानवकृत ऐसा कृत नहीं है इसको नकार दिया गया है। और दूसरी बात यह कोई स्वयंसेवक संघ नकार दिया की बात कर रहे हैं नकार दिया है संघ ने नकारा है ना संघ ने नकारा है उमानंद कौशिक उमानंद कौशिक उमानंद कौशिक साहब जी मैं आपके पास आऊंगी उमानंद कौशिक सिद्ध नहीं कर रहे हैं आपने बोल लिया दीपक जी आपने कहा ना कि संघ ने इसे नकारा है उसको कौन सिद्ध एक मिनट आरोप सिद्ध नहीं कर पाए एक मिनट दीपक आपने आपका कहना यही है ना कि संघ ने इस चीज को नकारा है ठीक इसे दुनिया ने नकारा है दुनिया ने नकारा है तो फिर भारत में बार बार ये मुद्दा क्यों उठता है? उमानंद कौशिक क्या आप सपोर्ट करते हैं? नहीं देखिए सर हाँ और ना दो दो राष्ट्रपिता के हत्या के आरोप में हो गया आऊंगी आपके पास। उमानंद कौशिक जी क्या आप इस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं नहीं करते हैं। दूसरा इस तरह की बातचीत श्वेता जी मेरा थोड़ा सा दो तीन सेकंड आपसे ज्यादा चाहूंगा। जितना श्रेष्ठ साध्य होता है उतना ही उत्तम साधन भी होना चाहिए। हो सकता है गोडसे जी गांधी जी के उन कार्य से जो उस समय पे हो रहे थे कि पाकिस्तान का खुला समर्थन कर रहे थे पूरा देश बंटवा दिया उसके बाद में बीच में से रास्ता दे रहे थे 55 करोड़ का उनको हाँ पूरा देश बंटवा दिया पूरा देश बटा नेहरू जी की वजह से और उनका अंधा सपोर्ट कर गांधी नेहरू जी की वजह ने पूरा देश बटा। अगर वो चाहते नहीं बटते नहीं सुनिए आप मुझे बोलने दे मैं बीच में बोलने नहीं बोला और ये मर्यादा मुझे आती है मैं बीच में नहीं बोलता। उस समय वो उनका विरोध कर रहे थे लेकिन उसका ये नहीं होता कि आप किसी की हत्या कर दें और उसके लिए जो सबसे कठिन सजा हो सकती थी वो गोडसे को दी गई है और उसके बाद में भी उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लपेटा गया नेहरू जी द्वारा तीन तीन बार केस खुला है और चार चार बार उनके कमीशन बने हैं लेकिन कहीं पर भी विश्व क्या नाम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहीं पर भी संघता नहीं मिली जो हिंदू महासभा प्रज्ञा जी ने जो बीज है वो कहां से आया प्रज्ञा जी ने हम जानने की तो यही कोशिश कर रहे हैं ना कि आखिर बोल कर देना किसी की हत्या कर देना केवल मान रहे हैं राष्ट्रभक्ति से नहीं जोड़ा जा सकता आप भी ये मान रहे हैं रोज रोज इस विचारधारा को तिहाड़ जेल में पड़े बहुत हत्यारे हैं वे राजनीति नहीं कहा जा सकता राजभक्त नहीं है। आप ये मान रहे हैं कि आप इस विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते हत्या की बात नहीं है सर ये सिर्फ हत्या की बात नहीं है एक तरफ राष्ट्र एक तरफ हम राष्ट्र में राष्ट्रपिता के नाम से पढ़ाते हैं महात्मा गांधी एक मिनट सैफ खान मेरा सवाल आपसे है सैफ खान माफ कीजिएगा उमानंद जी मौका दूंगी मुझे सबसे एक रिएक्शन चाहिए पहले उमानंद जी माफ
कीजिएगा सर, इस तरह से डिबेट अलाउ नहीं करूंगी, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। रेणु जी एक मिनट, अलग हो जाती है रेणु जी, मुझे रिएक्शन चाहिए सबसे। आपने अपनी बात कह ली, को भी देते हैं रेणु जी, तो डिफरेंस क्यों है रेणु बेटा? ये भी तो आप थोड़ा इस बात के लिए जाइए, एक रिएक्शन में सबसे ले लूं, सबसे ले लूं, सबसे एक रिएक्शन ले लूं। सैफ खान बहुत देर से बोल रहे थे, उन्हें भी बोलने का मौका देना चाहिए सवाल के साथ। सैफ खान आप सबके जवाब जरूर दीजिए लेकिन सवाल के साथ। गांधी जी की हत्या गोडसे ने की और पूरे देश ने इतिहास पढ़ा है और सब जानते हैं। एक विचारधारा को अगर फॉलो करती हैं साध्वी प्रज्ञा और वो कहती हैं संसद में कि वो देशभक्त उनको करार देती है, इस पे हंगामा चलो हुआ। राहुल गांधी ने कहा आतंकी प्रज्ञा और कहते हैं दोबारा मैं अपने बयान पर स्टैंड करता हूं। किसने दे दिया? अभी चौकीदार मामले में इतनी फजीहत हुई है उसके बावजूद नहीं सुधरे राहुल गांधी, उन्हें ये राइट मिल जाता है, संविधान ने अधिकार दिया आप किसी को भी आतंकी कह दें। कोर्ट बोलने से पहले डरता है सर। सबसे पहले आपकी बात का जवाब राहुल गांधी जी पे मैं चौथे पॉइंट पे दूंगा, पहले मैं जरा अपने जो साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं मैं, मुझे पहले अपने पॉइंट पे जवाब चाहिए, फिर राहुल गांधी जी की बात सुनिए। बीबीसी ने भी पूरे वर्ल्ड में पहली बार किसी टेररिज्म अक्यूज को, आप ये सुनना चाहते हैं तो चलिए मैं बताता हूं, टेररिज्म अक्यूज पहली बार पूरे देश विदेश में भी कहीं आज तक टेररिज्म अक्यूज को टिकट नहीं दिया जाता। पहली बार टिकट देने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। टेररिज्म अक्यूज सुनिए 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 दूसरी बात बात दीपक जी अच्छा अब मैं आपसे अभी आपके चैनल के माध्यम से और अभी नहीं उसके राइट मिल गया, सवाल पूछा था, राइट मिल गया। मालेगांव ब्लास्ट में वो जमानत पर है, जमानत पे है, टेररिज्म अक्यूज है, जमानत पर कोर्ट ने सुनी। अरे सर आपकी पार्टी क्या उन्हें बाजत बरी कर दिया? रेणु जी आपके कोर्ट ने बाजत बरी तो नहीं किया? मुझे सिर्फ शब्द का बताइए, आपको राइट मिल जाता है, आपको राइट मिल जाता है, टेररिज्म अक्यूज आपको राइट मिल जाता है? नहीं सिर्फ क्या क्या बड़ी बात हो गई है? क्या बड़ी हो गई है? क्या कोर्ट ने बड़ी कर दिया है? अभी कोर्ट ने, क्या कोर्ट ने बड़ी कर दिया है? चार्जशीट फाइल्स हैं, चार्जशीट उनके खिलाफ कोर्ट में केस लगाया जा रहा है अभी तक। आप यही बोल रहे हैं ना? आपको राइट कहां से मिल जाता है ये कहने का कि मैं किसी के पुतले का दहन नहीं करूंगा, मैं जिंदा जला दूंगा? ये आपके विधायक के कोर्ट है, गोवर्धन दांगी ने ये बात कही है कि साध्वी प्रज्ञा मेरे सामने हो तो उनके पुतले का नहीं, उनको जिंदा जलाऊंगा। आपके ये जो पूर्व अध्यक्ष ने बयान दिया उसके बाद आपके पार्टी के नेता जो है ये बोलने लगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या राहुल गांधी के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं? आपको राइट मिल जाता है जब पूर्व अध्यक्ष इस तरह की बयानबाजी करते हैं तभी तो इस तरह से उठते हैं विधायक और कहते हैं कि हम जिंदा जला देंगे, आपको राइट हो गया, आप संविधान से ऊपर हो गए। सुनिए सबसे पहली जो बात है, हम जो आपने अभी ये बात की कि किसी ने ये स्टेटमेंट दिया है, हम उसको भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो राहुल गांधी के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं? हम राहुल गांधी के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं? विचाराधीन है, टेररिज्म अक्यूज्ड है वो। नो स्टिल कोर्ट ने अभी भी बाजत बरी नहीं किया है। नो शी स्टिल टेररिज्म बोलती है हेमंत करकरे क्या थे ये बता दीजिए, हमारे देश के अशोक चक्र, हमारे देश के अशोक चक्र क्या थे? आतंकवाद के महात्मा गांधी जी से, महात्मा गांधी जी पे तो उनकी इनके किसी के चुप, महात्मा गांधी जी पे तो सबकी चुपकी है। मैं पूछता हूँ हेमंत करकरे पे क्या बोलते हैं, क्या वो शहीद है या नहीं है? मुझे बता दीजिए एक सवाल। श्वेता जी खाली मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, पहले मैं एक सवाल, आप जरूर पूछिएगा।
एक सवाल है, हेमंत करकरे पे क्या बोलना चाहते हैं सब लोग? हिंसा को भी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, मैं बता दूं सच्चाई, इनकी विचारधारा जो आप रुक जाइए, आप लोग बीच में आप बोलते जवाब करने को क्या बोलते हैं, शहीद है या नहीं है? शहीद है। और महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी, मुझे एक नाम, महात्मा गांधी जी, दीपक बोलो ना, महात्मा गांधी जी, दीपक शंखधार, महात्मा गांधी जी, आवाज नहीं आ रही है क्या? आप यहाँ करने पे तो आपने आगे अब बोल दिया शहीद है। मैं कहता हूँ महात्मा गांधी जी, मैं शोक के लिए 13 दिवस मैं पीसीआर से बोलूंगी, प्लीज होल्ड इट डाउन करें, प्लीज होल्ड इट डाउन करें, मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं करूंगी, बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करूंगी। दीपक शंखधार प्लीज क्वाइट, प्लीज क्वाइट सर, क्या कर रहे हैं? मछली बाजार बना दिया आप लोगों ने। सवाल पूछने देंगे यहाँ आके क्या? नारे झंडे बुलंद कराने हैं, सवाल के जवाब नहीं ढूंढने देंगे? यही तो आप कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं सारी पार्टियां मिलके। एक मिनट का पता है सर संसद के कार्यवाही का कितना पैसा लगता है? क्या पता है? यहां बैठे कोई भी एक गेस्ट मुझे बता दे कि संसद की कार्यवाही के एक मिनट का पैसा का खर्च कितना है, क्या आप बता सकते हैं? ये पैसा हमारे टैक्स का लगता है सर, और ये 2 दिन से ये ड्रामा रच रहा है संसद में, और आप बैठे सभी पार्टियां यहां बैठी हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, और एक सवाल मैं पूछ रही हूं, मुझे सवाल पूछने नहीं दिया जा रहा है, यही काम कर रहे हैं आप देश को गुमराह करके। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे डिबेट में इस तरह की बात हो, मैं सबको मौका दे रही हूं, मुझे मौका देने दीजिए, और इस तरह से अगर बात होगी तो मैं प्लीज मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी। राहुल लाल जी माफ कीजिएगा, सुनील कौशिक से मैं सवाल नहीं ले पाई हूँ, माफ कीजिए, नहीं नहीं सैफ खान बिल्कुल नहीं, आप नहीं, नो 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 सैफ खान नो, आप साफ तौर पे ये नहीं कह पा रहे हैं कि आप विचारधारा जो राहुल गांधी ने जो बात कही है आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, एक तरफ आप नो 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 क्यों नो, पूरी दुनिया बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ कहती है, बीबीसी क्या है सर, बीबीसी क्या है सर, सर हमारा देश अलग है, हमारे देश की विविधता अलग है, हमारा कोच अलग है, हमारा संविधान अलग है, आप यहाँ बीबीसी की रिपोर्ट मत ठोकिए, नो आपको कोई राइट नहीं बनता, अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो ये विचारधारा पर भी, ये विचारधारा पर भी बात होनी चाहिए। अगर मेरी सवाल के जवाब आप लोग नहीं देते तो माफ कीजिएगा, मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी, मैं छोड़कर चली जाऊंगी वाकई में। ये क्या बात है सर, अपनी बात रखनी है रखिए ना, जनता को सुनने दीजिए, लेट देम डिसाइड। सुनील कौशिक ये देख रहे हैं मछली बाजार, ये एक एक दूसरे की विचारधारा को गलत बता के क्या कौन सा इतिहास पढ़ाना चाह रहे हैं देश को? मुझे श्वेता बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ, दिख रहा है मुझे कौन सी विचारधारा पढ़ा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों? सदन की कार्यवाही सर, मेरा सवाल सिंपल सा है, एक मिनट की कार्यवाही का 2.5 लाख रुपए लगता है सर, एक मिनट की कार्यवाही दोनों सदनों को मिला के कह रही हूँ, और वो 2.5 लाख रुपए एक मिनट का लगता है, एक दिन का सोच ले, जनता यहाँ बैठी है और इनको इनको फर्क पड़ता है? ये यहाँ पे भी ऐसे लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे सुनील जी? ऐसा नहीं है, नहीं नहीं, कोई भी पार्टी, सुनील जी, चाहे बीजेपी, चाहे श्वेता बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, सारे लोग अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं, कोई भी पार्टी अपनी गलती मानने को तैयार है। मैं वही सुन रहा हूँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लेकिन गोडसे देशभक्त, मैं वही सुन रहा हूँ। दूसरी चीज क्या है कि देश में तमाम आतंकवादी घटनाएं हुई या तमाम ऐसे कारण हुए जहां दर्जनों हजारों की संख्या में लोग मारे गए, तमाम ऐसी घटनाएं हुई, चाहे 84 का ले लो, चाहे गुजरात ले लो, चाहे अन्य अन्य कुछ भी ले लो, सारे लोगों पे सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और सारे लोगों की लगभग सरकार ने कमेटियां बनाई और सारी रिपोर्ट सामने आई। इस बात को सोचना पड़ेगा कि जब देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद हो जाने के बाद मिड डे नाइट के बाद जो दंगे हुए, उस दंगों में हजारों लोग मारे गए, वो घटना किसके इशारे पर हुई, उसमें कौन दोषी थे, किनके कहने पे हुआ? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी भी सत्ता में रही है और कांग्रेस भी बहुत साल सत्ता में रही है, किसी एक पार्टी ने जो दंगे वहाँ हुए उस पर न तो कमेटी बनाने की सोची, न उस पर ये प्रयास किया कि आखिर में उन लोग उस समय दंगों में कौन लोग संलिप्त थे। तमाम महिलाओं बहनों के साथ बलात्कार हुए, जितना लूटपाट होता है सारी चीज़ें हुई और सारे लोग देखते रहे उसको। दिक्कत ये है कि आखिर में उस समय जो गोडसे विचार और गांधी विचार की जो हम बात कर रहे हैं, और जब गोडसे ने गांधी जी में गोली मारी और ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं आखिर में, तो उस विचारधारा पे एक बार देश में बहस हो जानी चाहिए। कोई पार्टी उसका मंदिर बनाती है, कोई पार्टी उसमें पूजा करती है, तो कोई विरोध करती है,
और कोई पार्टी जब उसको आतंकवादी कहती है या देशभक्त कहती है तो उस पर सारे सारे लोगों के विचार आते हैं, लेकिन टिक कोई नहीं पाता। जैसे अभी आपने देखा कि कांग्रेस के विधायक ने यह कह दिया कि हम जिंदा जला डालेंगे, तो उन्होंने कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम उसको डिनाई करते हैं, हम उसका पक्ष नहीं लेते। लेकिन ये बीजेपी ने भी ये प्रज्ञा पे कहा, जो बयान दिया कि हम भी उसको डिनाई करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो हमारी पार्टी में नहीं कहा। और जब करकरे के बारे में जो उन्होंने कहा कि वो शहीद थे, तो उसमें पार्टी का नहीं था, प्रज्ञा का बयान था उसमें। तो जब कोई चीज़ें निकल के बाहर जाती हैं और राजनीतिक तौर से जनता में या मीडिया में जो बहस का मुद्दा बनती हैं, तो उसमें लोग कहते हैं कि वो व्यक्तिगत टिप्पणी थी, पार्टी की टिप्पणी नहीं थी। इससे पार्टियां बच नहीं सकती हैं। लास्ट में जब देश आज़ाद हुआ, ये मैं बीजेपी के प्रतिनिधि बैठे हैं और कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हैं, दोनों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन दंगों पे आज तक आप लोग चाहेंगे कि उनके दोषी कौन थे? आखिर में उन परिवार को मिला क्या? चाहे हिंदू मरे हों, चाहे मुस्लिम मरे हों, चाहे अन्य धर्म के लोग मरे हों, आखिर में वो कौन, किन के सारे पे दंगे हुए? और ये सारी बातें जो होती रही उस समय जब सरकार बनी, सरकार का गठन हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, तो क्या कांग्रेस ने भरी संसद में इस पर बहस करी क्या कि आखिर में उनका दोषी कौन है? और जो चीजें निकल के आ रही हैं कि गॉडसे कौन है, गॉडसे कौन है, श्वेता में थोड़ा सा आधा मिनट और कहूंगा कि गॉडसे के ऊपर आया। अभी 2019 के चुनाव में एक मुस्लिम एक्टर हैं जो पार्टी के नेता भी हैं किसी के, उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी हिंदू था। उस समय डिफाइन किसने किया? बीजेपी, बीजेपी सामने थी उस समय कि नहीं, ऐसा ऐसी बातें नहीं है। तो उस समय बीजेपी के लिए ये क्या थे तो और आज क्या कह रहे हैं? पार्टी कह रही है कि नहीं, हम उनके साथ नहीं। यही सुनील कौशिक, मुद्दा तो यही है ना कि जो इमेज है वो एक रहे ना, पब्लिक के बीच में जो जाए वो एक इमेज जाए, ये विचारधारा हम सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। पहले कौन देना चाहेगा? राहुल जी बैठे हैं, गांधीवाद विचारक के बैठे हैं, और राहुल जी इससे बड़ा बड़ा एग्री भी होंगे, सवाल का जवाब देंगे, मैं एग्री हूं। लेकिन मैं राहुल जी से भी ये पूछना चाहूंगा कि उन दंगों का दोषी कौन था? आखिर में कौन थे? गांधी जी के अनुयायी थे या जिन पे आरोप लग रहा है उनके अनुयायी थे? आखिर में वो बहस अभी खत्म नहीं हुई है और तमाम ऐसी चीजें हैं देश में जो निकल के बार बार आती रहेंगी। आखिर में उन पे जवाब देना चाहूंगा, चर्चा होनी चाहिए। कुछ हाँ बोलिए उमानंद जी, कुछ से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि जब इनके गृहवान की तरफ को फंदा आता है तो ना कोई जांच की है, क्योंकि उस समय ना तो आरएसएस इतना प्रबल था और ना ही दूसरी कोई अन्य पार्टियां थी। इन्हीं के लोगों ने मांग क्या है उसमें जांच होनी चाहिए, और वो जांच हो तो किसके इशारे पे? वो नेहरू के इशारे पे हुई है या महात्मा गांधी जी के इशारे पे हुई या गोडसे के लोगों ने? क्या गोडसे के लोगों ने की? राहुल लाल जवाब नहीं, जवाब इसका देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि उस समय जो तत्कालीन घटनाएं थी उसकी जांच होने में किसी को क्यों बुरा लगेगा? मुख्य चीज ये है, देखिए उन दंगों के लिए गांधी जी तो दोषी नहीं थे ना, गांधी जी तो लगातार उन दंगों को रोकने के लिए प्रयत्नशील थे। गांधी एक ऐसी आवाज थी जो नोआखली में, जिसमें सारे लोग हिंसा कर रहे थे, भारत सरकार के पास सेना नहीं होती, जो इतिहास में लिखा है वो आप बोल रहे हैं? ये जांच की जांच बताइए ना, ये जो जांच निकल के आएगी इसमें तो आप कैसे नहीं दे सकते? मैं आप राहुल जी को दोषी नहीं माना जा सकता, और इधर देखिए अगर आप पिछले दरवाजे से कौशिक जी, राहुल जी आप अगर पिछले दरवाजे से दोषी नहीं दे सकते, मैं साबित नहीं करना चाहता, मैं साबित नहीं करना चाहता, राहुल जी मैं साबित नहीं करना चाहता, ये मैं सहमत हूं। राहुल जी मैं कह रहा हूं आप सच हो, मैं कह रहा हूं आपने जो कहा वो सच हो, गांधी साहब तो राहुल साहब के लिए उन्होंने अपनी जान दी है। राहुल जी मैं ये कह रहा हूं आपकी बात 100% सच हो, बिना जांच के अरे भाई वर्तमान सरकार ने वर्तमान सरकार को चाहिए, वर्तमान सरकार ने सुहास चंद्र बोस वाले मामले की जांच कराए ना, तो अब किसको कौन मना कर रहा है? देखिए मैं एक लाइन खाली, मेरी पूरी नहीं हुई, खाली मैं बात पूरा कर लूं। देखिए श्वेता जी, चाहे दल हो कांग्रेस या चाहे दल हो भारतीय जनता पार्टी, जरूर ये लोग गांधी जी का नाम यूज करते हैं। गांधी जी क्या चीज कहते थे? साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात करते थे। आपको लग रहा है कि अगर यहाँ पे दोनों ही पार्टियां, जैसे अब देख लीजिए गांधी जी के नाम पे एक विधायक ये चीज कह रहा है कि अगर वो यहाँ आएंगे तो उनको जला दिया जाएगा, ये क्या समझ है? गांधी जी खुद रहते तो इसे सपोर्ट नहीं करते, गांधी जी खुद इस बात को सपोर्ट नहीं करते, तो क्या सोचते? आप उधर तो पल्ला झाड़ दे रहे हैं, एक तरफ आतंकी कहने पे सैफ खान सपोर्ट करते हैं, उमानंद कौशिक एक लाइन में और बोलूं, देखिए नहीं उनका सवाल भी आप ही से है राहुल जी, साथ में दे दीजिएगा जवाब। उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या भी हुई थी, एक विशेष धर्म के लोग ने की थी, महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि उसने कोई गलती नहीं है और उनको जरूरत पड़े तो मैं उनका मुकदमा लड़ूंगा। हमारे उस समय के सबसे प्रबल हिंदू धर्म के प्रवर्तक और उसमें जो उसमें लेके स्वामी श्रद्धानंद जी उनको छोटा भाई, उनको मेरा छोटा भाई है, और उनको नाम नहीं ना हुए,
उसको क्या सवाल है? अगर एक तरफ ये हमारा देश है, अफजल गुरु, अफजल गुरु को भी वकील मिला था, अफजल गुरु को भी वकील मिला था, हमारा देश है, उमानंद कौशिक जी, अफजल गुरु को भी वकील मिला था, मिला था कि नहीं मिला? तो मतलब महात्मा गांधी का स्तर यहाँ नहीं कह रही, महात्मा गांधी मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, पूरे इतिहास को नहीं, ये इतिहास के कौन से पन्नों को खंगालने की कोशिश कर रही है? उमानंद कौशिक जी, उमानंद कौशिक जी, ये इतिहास के कौन से पन्नों को खंगालने की कोशिश हो रही है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इतिहास में हमें तो राष्ट्रपिता, सर मैंने तो पढ़ाई यही की है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए तो उनको मारने वाला शख्स उसमें खूबी हो सकती है, कोई भी इंसान पूरी तरह से गलतियों का पुतला नहीं होता है, उसमें खूबी हो सकती है, लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम बच्चों को, भविष्य के जो बच्चे जब पढ़ के बड़े होते हैं ना, तो उन्हें यही देते हैं कि ये गलत, ये एक सत्ता, क्या गलत लिखा गया, उन्होंने हत्या की, 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 ये कांग्रेस सरकार के नाम में है, कोई भी, कोई भी इंसान, कोई भी इंसान, सर ये कभी बर्दाश्त किया जाएगा? सर बढ़ी हुई महंगाई के लिए, बढ़ी हुई महंगाई के लिए, बढ़ी हुई महंगाई के लिए आज मैं हथियार उठा लूं, बढ़ी हुई महंगाई के लिए आज मैं हथियार उठा लूं और किसी का कत्ल कर दूं, ये कहकर कि प्याज के रेट 100 रुपए किलो चले गए और मैं सही हो जाऊंगी? सही जवाब देना चाहूंगा श्वेता जी, नहीं सैफ खान कुछ कह रहे हैं, अब मैं मौका चाहूंगा कि ऐसे हाँ। अगर सब लोग बोलेंगे तो मेरे ख्याल से नहीं नहीं नहीं, आप ये बोलिए, आप ये मुझे बताइए, आप एक तरफ पल्ला झाड़ ले रहे हैं कि विधायक ने जो कहा गोवर्धन डांगी ने, उससे उसको हम सपोर्ट नहीं करते, हाँ, वो कहा क्यों? क्योंकि आपके भाई पूर्व अध्यक्ष ने ऐसी बात कही, तो आपके पूर्व अध्यक्ष जब बोलते हैं तो मनोबल बढ़ता है, और नजरों में आने के लिए, नजरों में आने के लिए सर ये पूरा गेम होता है, नजरों में आना है, हमें कहीं दिखना है, हमें राष्ट्रपति पर दिखना है, तो हम इस तरह की बयानबाजी, आप पूछ रही हैं या बता रही हैं? पहले मैं आपसे पूछ रही हूं ना, मैं मौका चाहूंगा थोड़ा देंगे जवाब। सबसे पहले जो है, हम पूरी ही डिबेट को किसी और स्तर के ऊपर लेके चले गए, सबसे पहले हमें आज यह प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर ही हम जो बात, नहीं नहीं सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर नहीं, हम राहुल गांधी के बारे में भी बोल रहे हैं, आज एक डिफेंस, सुनिए, टेररिज्म अक्यूज को पार्लियामेंट में सीट दी जाती है, दूसरी चीज उसे फिर डिफेंस मिनिस्ट्री का सदस्य बनाया जाता है, सुनिए सुनिए, डिफेंस डिफेंस मिनिस्ट्री का, डिफेंस मिनिस्ट्री का जो है सदस्य बनाया जाता है, दूसरी चीज की जो आपकी किताब है साहब, उसके बारे में कहेंगे, जो कहती है हमारे संडे तक को नहीं मानते, आप बात कर रहे हैं, बता लीजिए, मैं अभी भी कहता हूँ नॉलेज ठीक नहीं है, मुर्दाबाद आपके श्वेता जी अभी भी सबसे कहता हूँ, बुलवा दीजिए से मुर्दाबाद, बहुत से मुर्दाबाद, बोलिए हिम्मत है, संस्कार और तारीख भी मैं बताना चाहूंगा, दीपक जी एक मिनट,
सैफ खान, मैं क्लिप भिजवा दूंगी, आप अपने पार्टी कार्यालय में भेज दीजिएगा, नंबर बढ़ जाएगा, आप पूरी तैयारी से आए। नहीं नहीं, एक मिनट, मकोक्का हटा लिया, बार बार आपको करेक्ट कर रही हूँ, आपकी पार्टी की विचारधारा, आपको क्लिप भिजवा दूंगी रखने के लिए, डायलॉग सुनने के लिए, आप इनको रोकिए ना, तो 20 मिनट फाइट करते हैं। अगर आप ये बोलेंगे, यकीन मानिए ना, अगर इनको बोलने की इजाजत दूंगा फिर तो श्वेता उड़वा के देखनी चाहिए। आपने बोल लिया, आपने जितनी बोल के बोल लिया, सर बोलने का मौका दे दिया मैंने। श्वेता चलिए रेणु पाटी, मुर्दाबाद मैं बोलता हूं ना, सुदाम गौड़ से मुर्दाबाद, आप बोल के देख लो। उमन एंड कौशिक आप बोलिए, उमन के साथ हम गांधीवादी हैं, गांधीवादी आप लोग हैं, बीएचपी आप और बीजेपी, इनकी तो अच्छा, इनकी तो आत्मा है ये। बोल, हो गया श्वेता, हो गया, एक सेकंड के लिए शांत। नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे समझ मुझे नहीं आ रहा है, हैरानी है कि किसको पार्टी में नंबर बढ़ाने हैं, कि मैंने उसको बोला वो चुप हो गया सामने वाला, या उसने बोला और वो चुप हो गया। मतलब सर क्लिपिंग देखी जाती है क्या वाकई में? बताइए तो मैं क्लिपिंग भिजवा दूं। ये हमें नंबर नहीं नहीं श्वेता, ये मुझे कंटिन्यू हमें नंबर जवाब देना चाह रही थी। हिंसा की बात नहीं, मैं यहां पे जो है हिंसा की बात, सर आवाज इतनी ऊंची क्यों करने की जरूरत पड़ी है? आप लोग हैं, आप लोग मुझे नहीं लग रहा है, ये बनाते छोटे-छोटे बच्चों को, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी, सैफ सैफ बहुत ऊंचा ऊंचा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, तो आप बोल दीजिए ना, सुदाम गौड़ हल्की आवाज में बोल दीजिए, आपकी विचारधारा पार्टी की, इसका मतलब, इसका मतलब आईएसआईएस की भी आ जाएगी, इसका मतलब भारत तेरे, इसका मतलब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनको आप स्वागत देते हैं, इसका मतलब आप उनको स्वागत देते हैं, लाइफ टाइम तो कहेंगे ही महात्मा गांधी जी को बुरा, आप वो तो कहेंगे ही, आप उन गलतियों को राहुल गांधी के माध्यम से दोहरा रहे हैं, जिंदाबाद देश भक्त, आप उन गलतियों को दोहरा रहे हैं, किस लिए हैं? सुनिए श्वेता, किस लिए श्वेता, आपके 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 प्रज्ञा ठाकुर ने क्या बोला, प्रज्ञा ठाकुर ने क्या बोला, सैफ खान आप डिबेट पर हैं, जो है आप डिबेट पर हैं, इस बात का एहसास है सैफ खान, और जो है सैफ खान कांग्रेस कांग्रेस को शायद नंबर, क्या आप डिबेट पर हैं सैफ खान? सैफ खान क्या आप डिबेट पर हैं? आपसे नंबर नहीं चाहिए सैफ खान, सैफ खान, सैफ खान, एक मिनट, 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 क्या हम डिबेट पर हैं या हम ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पर चर्चा कर रहे हैं सर, कि आप थोड़ा चिल्ला लीजिए, आप थोड़ा चिल्ला लीजिए, वॉल्यूम थोड़ा हाई होगा, थोड़ा सा पड़ोसियों को भी लगेगा कि कुछ बुद्धिजीवी यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, जनता देख रही है सर। श्वेता चाय की चर्चा पर भी विचार आदान प्रदान होता है, फिर आप बोल रहे हैं सैफ खान, मेरा सवाल आपसे है ही नहीं, फिर से आप बोल रहे हो टुकड़े टुकड़े आप बोल रहे हो लोगों, इसलिए रेणु भाटिया कंटिन्यू, बोल दीजिए ना गॉड से मुर्दाबाद, इसीलिए एक बार नेहरू जी ने गलती कर ली, एक बार मेरा सवाल सीधा सा आपसे है, आप किसी के मुंह पे अपनी अपने शब्दों को क्यों डालना चाहते हैं, कि आप ये कह दीजिए, ये मेरा राइट है कि मुझे क्या कहना है, संविधान ने मुझे कुछ अधिकार दिए हैं, आपके राहुल गांधी एक बार चौकीदार की तरह बोलते हैं और फिर माफी मांगते हैं, आज वो कह रहे हैं स्टैंड पर हैं और कल माफी मांगेंगे, सर सर सॉरी टू से, सॉरी टू से, राहुल गांधी ने खुद माफी मांगी है, चौकीदार चोर के स्टैंड पर वो खुद पलटे हैं और देर से माफी नहीं मांगी है, देश को गुमराह किया तो माफी नहीं मांगी है। राहुल को प्रोत्साहित, दीपक शंखदार बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपना सवाल पूछे, सवाल पूछिएगा सर तब मैं कंटिन्यू करूंगी, अगर आप कुछ वैसी बातें करेंगे तो फिर माफ पूछिएगा। श्वेता जी, मैं सीधी सीधी बात कहता हूं, हमारे भारत का मुर्दाबाद, हमारे भारत का भारतीय संविधान भी, हमारे भारत का भारतीय संविधान भी, गरिमामय जीवन के साथ साथ, गरिमामय जीवन के साथ साथ, गरिमामय मृत्यु के अधिकार देता है, कौन सी विचार संविधान है, ये मनुष्य के यहाँ से जाने के बाद ये इनका संस्कार है, ये संविधान के संस्कार से संविधान, आप बता दीजिए कौन सा संविधान होता है, संविधान पे आप चलते हैं, नहीं तो संविधान दीपक, अरे हम संविधान राहुल गांधी जी देश का अध्यादेश
दीपक शंखदार, दीपक शंखदार, दीपक शंखदार, मेरा सवाल आपसे है, संघ विचारक है तो एक बात बता दीजिए, आप तो खुद कह रहे हैं कि विचारधारा आपकी नहीं है, तो ये बीज साध्वी प्रज्ञा में कहां से आया? एक बार नहीं, दूसरी बार बोली है प्रधानमंत्री ने, अभी तक बोला मैंने दिल से माफ नहीं किया है, उसके बावजूद आप भी कह रहे हैं कि संघ की विचारधारा ये नहीं है, हत्या नहीं होनी चाहिए थी, क्या सोच के किया क्या नहीं किया हम उस पर जा ही नहीं रहे सर, हत्या नहीं होनी चाहिए थी, एक को हम राष्ट्रपिता अगर कह रहे हैं, अगर हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता अपने दिल से मानते हैं तो जिसने हत्या की हम कभी भी उसे देशभक्त नहीं कह सकते, अगर संघ की यह विचारधारा सही है कि हम नहीं कहते हैं कि गोडसे देशभक्त है, तो फिर साध्वी प्रज्ञा में यह बीज कहां से आया? किसी भी घृणित कार्य का कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थन नहीं करता, और इस देश में ऐसे भी लोग रहते हैं जो राष्ट्रपिता तो छोड़िए भारत माता की जय कहने में भी उनको तकलीफ होती है, मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत माता को इस धरती को अपनी माता मानने में तकलीफ क्यों होती है? बोलिए ना भारत माता की जय, अपने दामन की जय बोलना बेहतर है दूसरे के दामन के दांतों को दिखाना। वाओ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने हर बार कश्मीर के आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कहा, आतंक फैलाने वाले लोगों को राहुल गांधी ने आतंकवादी उनको नहीं कहा, अभी पता चल जाएगा, आज साध्वी को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। राहुल लाल, राहुल लाल, राहुल लाल, आप भी पानी पीजिए साहब, ये जो आपने सुना गोलमोल जवाब, ये जो चाहे दीपक शंखदार कहे, चाहे उमानंद कौशिक कहे, चाहे अब तो विचारधारा कांग्रेस की भी दिख रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप एक तरफ डिनाई करते हैं कि उन विधायक की बातों को नहीं लेते, लेकिन राहुल गांधी, एक मिनट सैफ खान, एक मिनट, एक मिनट, लेकिन आतंकी कहना सही है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, हमें कुछ संविधान जो हमारा है हमें राइट्स देता है, क्या हम किसी को भी चलते फिरते इस तरीके से कह रहे हैं? ये हमारे देश के भविष्य को किस ओर ले जा रही है? श्वेता जी आप देख लीजिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं यहाँ पे, पूछता हूँ किस तरह का व्यवहार है उनका, क्या टर्मिनेट पार्टी से प्रज्ञा ठाकुर को क्या आपने निष्कासित कर दिया है? जवाब पूछा गया है, मैं कह रहा हूँ प्रज्ञा ठाकुर उमानंद कौशिक जी, गलती हो जाती है, राहुल गांधी भी इसी तरह चौकीदार चोर है, आज आप साध्वी प्रज्ञा, साध्वी प्राची सब एक हो गए, सैफ खान पानी पीजिए, सैफ खान पानी पीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, चाय मंगवा दो सर, अरे आप थोड़ा सा सर एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, ग्रीन टी पी लीजिए, राहुल लाल जवाब दीजिए, राहुल लाल जवाब दीजिए, आप देखिए दोनों हम लोग देख रहे हैं कि जवाब सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए जरा सर, सुन तो लीजिए, मुझसे प्रश्न पूछा जा रहा, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कि दोनों पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां नजर आ रही हैं, एक तो पर्दे के पीछे से साध्वी प्रज्ञा को भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, क्या इसको क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से ध्यान हटाना था, बढ़ती महंगाई से ध्यान हटाना था, इन मुद्दों पे बात ही ना हो, जीडीपी आज सर अभी आ रही थी, मैं डिबेट पे आ रही थी, 4.5 पे पहुंच गई है जीडीपी, मैं कह रहा हूं इस पे बात ही ना हो, आप बताइए, और सर एक साल पहले 7% पे थी जीडीपी, ये तिमाही का हाल है, महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बात ही ना करे, क्या गलती हुई बीजेपी से? तो कुछ तो जैसे हम कहते हैं कांग्रेस दिग्विजय सिंह को रखी है कि दिग्विजय के जब बयान आते हैं वो यूं ही बयान नहीं होते हैं। आप आपके बात से मैं 100% सहमत हूं कि ये इस तरह के मुद्दों को जो लाया जाता है जानबूझ के ध्यानाकर्षण भटकाने के लिए लाया जाता है। गांधी को इस देश में अगर कोई दिल से मानते तो आज बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो गया होता। क्या राहुल गांधी जो इतने बड़े पद पे, शीर्षस्थ पद पे बैठे हुए हैं, क्या उन्हें नहीं पता है कि जब तक कोर्ट के द्वारा जब तक सजा नहीं दे दिया जाए तब तक हम किसी को आरोपी, तब तक हम उसको बिल्कुल हम आतंकवादी नहीं कहेंगे? तो ये चीजें देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं नहीं मैं सुन तो लीजिए पहले, आपके चीज में नहीं बोलूंगा मैं, आपके आपको सुनने में अच्छा लगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो राहुल गांधी के पुण्य से बहुत दूर चली गई है। सर क्या आप लोगों को पता है, सर क्या राहुल लाल,
राहुल लाला प्लीज एक मिनट रेणु जी साफ खान एक मिनट क्या आप लोगों को यहाँ बैठे पैनलिस्ट को एक खबर तो पता होगी कि डॉक्टर प्रीति शायद नाम मैं करेक्ट ही ले रही हूँ एक डॉक्टर को जिंदा जला दिया जाता है रेप किया नहीं एक मिनट रेप किया जाता है फिर से वही जो चार आरोपी पकड़े गए हैं वही ड्राइवर क्लीनर उसी तरह का एक तरह से दूसरी निर्भया हम कह सकते हैं सर ये जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं सर एक पढ़ी लिखी बेटी की इस तरह से आज सदन में क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी आज वो मुद्दा नहीं उठना चाहिए था सर आप लोग क्या गेम प्लान करते हैं अगर बीजेपी ने एक तुरुप का इक्का फेंका कि हमें ध्यान भटकाना है इन चीजों से तो कांग्रेस भटक रही है कांग्रेस भटक रही है और उस पर आपके पूर्व अध्यक्ष ये बात कहते हैं कि मैं अपने स्टैंड पर क्लियर अरे सर स्टैंड लेना है तो ये बोलते हैं कि प्रीति जो जिसे जिंदा जला दिया गया क्या कर रही है सरकार और कब पकड़े जाएंगे इस पर बात क्यों नहीं होती क्यों फिर से निर्भया कांड दोहराया जा रहा है क्यों बार बार जनता को जागना पड़ता है इस पर तो चर्चा नहीं हुई सर और आप दोनों पार्टियों ने माफ कीजिएगा कि कभी मुझे लगता भी नहीं है कि सीरियसली वहां पर ये मुद्दे उठा भी सकते हैं सर वरना मैं भी एक महिला हूं मैं कम से कम अपने आप को सेफ कह सकूं कि इस पार्टी के कार्यकाल में मैंने अपने आप को सेफ फील किया नो एक मिनट दोनों लोग कह रहे हैं उसके बाद आप दोनों कह लीजिएगा सबसे पहले राहुल लाल जी कुछ कंटिन्यू कर रहे थे सर फिर मैं आती हूँ जी कि देखिए ये जो आपने कहा भी 2.5 लाख रुपया प्रति मिनट का खर्च हो रहा है और इस तरह के गंभीर मामले हम लोग अगर उस समय निर्भया कांड को भी याद करेंगे उस समय की भी तत्कालीन सरकार गंभीर नहीं थी इस मामले पे जब लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही थी तब उन्होंने आनंद फानन में दिखाने के लिए खर्च किया था और हम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने निर्भया फंड के मामले में भी चर्चा की थी पिछले डिस्कशन में जी। ना तो निर्भया फंड जो एक उस समय खर्च हुआ पिछले सरकार के कार्यकाल में जो एक साल का बचा हुआ था ना तो इस सरकार के 6 साल के कार्यकाल में निर्भया फंड खर्च हुआ तो महिला सुरक्षा किसी भी सरकार के कितने प्रमुखता के ऊपर है वो हम लोगों को अच्छी तरह से पता है केवल ये लोग आईवास करने का प्रयास करते हैं और जहां तक गांधी जी की बात भी है गांधी जी का नाम केवल ये लोग वोट के लिए लेना चाहते हैं राहुल जी कोई भी ये तय कर सकता है कि टोकूंगा मैं टोकूंगा जिन लोगों ने विचार रखा गौडसे के मामले में तो क्या उन लोगों ने गांधी जी को गाली नहीं दी है माफ कीजिएगा सर एक मिनट कुछ पढ़ने वाली हूँ ये इस तरह के मैसेज जब चलते हैं ना सर जस्टिस फॉर प्रियंका रेड्डी सामूहिक बलात्कार हत्या मामले में ना प्रियंका वाड्रा कुछ बोली ना प्रियंका चतुर्वेदी और ना प्रियंका चोपड़ा क्योंकि प्रियंका रेड्डी हिंदू थी क्या सर क्या 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 समझाना चाह रहे हैं क्या देश को मैसेज देना चाह रहे हैं हिंदू थी मुस्लिम थी इसलिए नहीं बोला था एक महिला थी ये किसी को नहीं होता है सर दुख होता है दोनों नेशनल पार्टी के यहां लीडर्स बैठे हुए और इस तरह के मैसेज सर जब ट्रैवल करते हैं प्रियंका रेड्डी हिंदू थी इसलिए नहीं किया जा रहा क्या सर सोच से फिर आपत्ति होती सुनील कौशिक जो सोशल मीडिया पे आ रहा है वो निश्चित तौर से कुछ चीजें छनके आती हैं समाज से और आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में एक लड़की का रेप मंदिर में हुआ था तब आपने देखा होगा कैंडल मार्च यहाँ दिल्ली में हुआ उसके बाद एक दुर्घटना अलीगढ़ में एक लड़की के साथ हुआ। ये भी बताइए जो मैं क्लोजिंग कमेंट चाहूंगी क्या इन मुद्दों पर बातचीत नहीं होनी चाहिए क्या दोनों पार्टियां जानबूझकर इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाती हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति साधना है कौन दोषी है आप ये नहीं कह रहे कौन दोषी है वो कोर्ट का मामला है जो होगा हिंदू होगा मुस्लिम होगा वो फांसी पे जाएंगे मैं ये नहीं कहना चाह रहा सुनील कौशिक मैं क्लोजिंग कमेंट मांग रही हूं श्वेता जम्मू कश्मीर में जो मुद्दा हुआ उसमें कैंडल मार्च हुआ सारा देश उसमें साथ था विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है सरकार अगर लटका रही है तो हम सरकार को पकड़ के लाए जिम्मेदारी क्या सिर्फ डिबेट में बोलने की बनती है चर्चा पर विराम नहीं लग सकता तो एक कंक्लूजन पर हम नहीं पहुंच सकते क्योंकि जब विचारधारा की लड़ाई होती है तब सिर्फ और सिर्फ भी विचारधारा से लड़ रहे हैं अपनी विचारधारा को सही बता रहे हैं आप सभी गेस्ट हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए इस बहस में शामिल होने के लिए
चर्चा आज इस पॉजिटिव नोट पे एंड करती हूं कि आप देश के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको सरकार को सदन में उठाना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो है आप जब कार्रवाई में भाग लेते हैं तो आपकी जवाबदेही जनता को होती है, ये सरकार का पक्ष होता है। विपक्ष को चौकीदार का रोल होता है कि आप सरकार को खींच कर लाइए, उन मुद्दों पर जिक्र करें, उन मुद्दों पर बहस करें जिससे सीधा सरोकार जनता का है। लेकिन वो मुद्दे जो है पीछे छूट जा रहे हैं और राजनीति कहीं और खेली जा रही है। ये जो बयानबाजी होती है और उसके बाद बयान पर बयान और बयानवीर सामने आते हैं, लेट द जनता डिसाइड। आप डिसाइड कीजिए, आप पब्लिक हैं, आप डिसाइड कीजिए कौन सही है कौन गलत। इसी पॉजिटिव नोट पर आज मैं इस चर्चा को यहीं खत्म करती हूं। नमस्कार। यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। यदि का मतलब क्या है? यदि सदन के सदस्य को आतंकवादी कहना वो महात्मा गांधी की हत्या से भी ज्यादा बदतर है। आप इंदिरा गांधी को हराना चाहते, जवाहरलाल नेहरू को हराना चाहते, अभी महात्मा गांधी को हराने का कोशिश कर रहे हैं।